हाय दोस्तों, हरे गंगे हरे महादेव। आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग समय। पवित्र पावनी माँ गंगा की निर्मल जल की पावन दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह सुबह गंगा जी की जो धारा है कितनी तेज है, काफी ज्यादा पारदर्शी और बर्फीली भी काफी ज्यादा है। तो चलते हैं, आपको हरिद्वार यात्रा की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि आप हरिद्वार के प्लानिंग अगर जनवरी के 15 तारीख से पहले कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे चीज़ों का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर यहाँ की टेम्परेचर, यहाँ पे रूम कहाँ पे ले, और खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन अभी देखने को मिलते हैं। जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है तो हर एक श्रद्धालु को स्नान करने के लिए गर्म जल की ज़रूरत होता है, ये होटल या धर्मशाला में मिल जाता है। और आप गंगा जी में डुबकी लगाने का सोच रहे हैं तो आपको शीतल जल में ही डुबकी लगाना पड़ेगा। ऐसी छोटी छोटी और कुछ बड़ी जानकारी है जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाला है जानकारी। तो चलते हैं, हमारी वीडियो आज स्टार्ट होगी हरकी पैड़ी से ही, और हम आपको सुभाष घाट, महिला घाट, नई घाट, मालवीय घाट, लगभग हरकी पैड़ी के आसपास संपूर्ण घाटों का दृश्य दिखाएंगे। और हरकी पैड़ी से 500 मीटर दूर विष्णु घाट तक का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। ये जो दृश्य देख रहे हैं सुबह के 10 बजे का दृश्य है, और ये दृश्य है नई घाट का। और यहाँ पे आपको अधिकतर श्रद्धालु मुंडन की विधि और अस्थि विसर्जन कराते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जल की धारा देख रहे हैं कितनी तेज है और पारदर्शी भी कितनी है, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, क्योंकि जल के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है उसे आप स्पष्ट देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि पवित्र पावनी माँ गंगा के दर्शन आपको होता रहे और हरिद्वार यात्रा से जुड़ी जानकारी आपको मिलता रहे। दोनों ओर घाटों में देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। हालांकि नबी जो भीड़ है वो केवल नई घाट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, नई घाट के बाद कुसा घाट पे, क्योंकि सर्दियों के सीजन में श्रद्धालु अपने पितरों को पिंडदान करने और अस्थि विसर्जन की विधि संपन्न कराते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। सारे घाटों का दृश्य देखने के बाद आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन से घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं जल की धारा कितनी तेज है, कितनी ज़्यादा पारदर्शी है, और ऐसे कपड़े जो श्रद्धालु स्नान करते हैं और गंगा जी में कपड़े बहा देते हैं वो आके ऐसे फंस जाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई विधि न करें जिससे माँ गंगा प्रदूषित हो। जब आप हरिद्वार की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि आप हरिद्वार में सर्दियों के सीजन में जब घाट पे आएंगे तो घाट का समय क्या होगा। तो हम आपको बता दें, घाट में आने का अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग है तो आप 10 बजे के बाद ही आए, सबसे अच्छा समय होने वाला है। तेज़ धूप होगा, बर्फीली हवाओं की गति तो तेज होता ही है, जल काफ़ी बर्फीली होती है, बस जो तेज़ धूप होने के बाद थोड़ी राहत मिलता है। आप 2-4 डुबकी एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं तेज धूप के साथ। अगर आप सुबह 8-9 या फिर 6-4 बजे आते हैं तो मुश्किल है 1-2 डुबकी आपको लगाना का मौका मिलेगा, बाकी आप ज़्यादा डुबकी नहीं लगा पाएंगे। अभी आप देखेंगे एक डुबकी लगाने से पहले का दृश्य किस तरह का होता है। दोनों ही भाई साहब है जो कि डुबकी लगा रहे हैं, काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़ता है। और ये नहीं, काफ़ी सारे लोगों को आप देख सकते हैं पहले डुबकी लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। और अगर तेज़ धूप हो यानी 10 बजे के बाद जब आते हैं तो आप आराम से डुबकी लगा सकते हैं, और अगर पहले डुबकी लग जाता है तो 2-4 डुबकी आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं घाट जो कि खाली खाली से आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मालवीय घाट जहाँ पर काफ़ी सारे चेंजिंग रूम आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। जहाँ पे छाँव है वहाँ पे लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे धूप है वहीं पे ही लोग आपको दिखेंगे।
ये है सबसे प्रमुख द्वार, और एक द्वार और है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का। ये दोनों ही द्वार हर की पैड़ी में आप प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे जूता स्टॉल है, एक जूता स्टॉल एक और है यहाँ पे हम दिखाएं, ये जूता स्टॉल दो जूता स्टॉल ही शो। यहाँ पे चप्पल जूता रख के आप हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्मकुंड घाट में प्रवेश करने के लिए आपको चप्पल जूता बाहर निकालना पड़ेगा। जब आप हरिद्वार में आते हैं, रूम लेते हैं, तो आप वहाँ पर जरूर पूछ लें कि वहाँ पर स्नान करने के लिए सुबह गर्म जल की व्यवस्था है कि नहीं। काफ़ी सारे होटल में होते हैं, काफ़ी सारे धर्मशाला में नहीं होते, तो आप इंक्वायरी करके रुकेंगे तो आपको सारी सुविधा मिलते हैं। ऐसे अधिकतर होटल धर्मशाला में सुबह आपको मिल जाता है स्नान करने के लिए गर्म पानी। हमने कल की वीडियो में हर की पैड़ी के पास फेमस नाश्ता, मिठाई और भोजन के जो दुकान होते हैं वो सारे कवर किए हैं, तो आप कल की वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे स्नान करते वक्त आप देखेंगे कि बर्फीली हवाओं की गति कितनी है, ठंडक की वही एक रीजन है। ऐसे हवाएं अगर थम जाए तो ज़्यादा ठंडक का एहसास नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ पे छांव है, तो श्रद्धालु आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी कम श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे होंगे। केवल दो या तीन श्रद्धालु की फैमिली स्नान कर रही है, बाकी यहाँ पे पूरा घाट खाली खाली सा है। इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है। ये है शिव घाट। हमने आपको पहले कहा था कि छांव जहाँ पे है वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर डुबकी लगा रही है। हरिद्वार की यात्रा में ऐसे किसी पारे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टाइमली सारा चीज़ करें। यहाँ पे मनसा देवी, चंडी देवी, हर की पैड़ी और हर की पैड़ी में आरती की, संध्या आरती की अगर दर्शन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी पारे कोई दिक्कत नहीं होगी। और संध्या आरती का समय अगर कहें, सूर्य अस्त का समय होता है एग्जैक्ट टाइम, आप 2 घंटे पहले गंगा घाटों में पहुँच जाए ताकि आपको गंगा जी के दर्शन और गंगा जी की आरती के दर्शन अच्छे से हो सके, क्योंकि भीड़ वहाँ पे लाखों की संख्या में होती है आरती के दर्शन के लिए। अभी हम बाहर की ओर जा रहे हैं, ऋषिकेश बाईपास का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। जब आप ऋषिकेश बाईपास से आएंगे तब का दृश्य किस तरह से होता है। ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या इधर से भी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।